हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये दो कलर में पहुंचूं। ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन की धागी। आप सभी का स्वागत है। ये दो कलर यूज़ करके मैं पहुंचूं बनाऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ मैंने यूज़ किया है 6 नंबर का क्रोशिया, यानी 4.5 mm का क्रोशिया। और चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कलर लेंगे हम, जो हमारा सॉलिड कलर है, प्लेन कलर है, और एक हमने मल्टी कलर लिया है। तो सबसे पहले हमने स्लिप स्टिच बनाई। देखिए, स्लिप स्टिच इस तरह से भी बना सकते हैं आप, जैसे आपको इजी लगे। ये थ्रेड खींच दी हमने और ये हमारी स्लिप स्टिच तैयार है। अब हम चेन बनाना शुरू करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए, मैंने ये 10 चेन बनाई। उसके बाद मैंने क्रोशिया निकाल लिया और मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट चेन है उसमें क्रोशिया डाला। फिर जो हम चेन बुन रहे थे उसमें क्रोशिया डाला। देखिए, इस तरह से हमें डालना है क्रोशिया यहाँ पर, ताकि इसमें कोई भी अलपेट नहीं आए। देखिए, इस तरह से डाला हमने क्रोशिया और अब हम यहाँ चेन बनाना शुरू कर देंगे। तो हमें कितनी भी चेन बनानी है। यहाँ मैंने XL साइज़ का लिया है, तो मैंने 120 चेन बनाई है। अगर आप S साइज़ का, स्मॉल साइज़ में बना रहे हैं, तो आप 80 चेन रखिए। मिडिल या लार्ज साइज़ में बना रहे हैं तो आप 100 चेन रखिए। और डबल XL साइज़ में बना रहे हैं तो भी आप 130 चेन रखिए या 120 चेन, दोनों रख सकते हैं। 130 चेन रखिए। तो अब देखिए, ये मैंने स्लिप स्टिच करा, मैंने यहाँ 120 चेन रखी है और ये स्लिप स्टिच करके इन्हें जॉइन कर लिया। ये एक धागा आ रहा है, उसकी वजह से धागे खींच रहे हैं, इसीलिए मैंने निकाल के ये दो धागे ऊपर करे हैं और फिर इसे स्लिप स्टिच करा है। देखिए, अब ये छेद नहीं बन रहा, यानी यहाँ पे होल नहीं बन रहा है। उसके बाद एक चेन बनाकर वापस से मैं इन्हीं धागों में क्रोशिया डालकर एक डबल क्रोशिया करूँगी। तो ये हुआ मेरा एक डबल्स तैयार, ये डबल्स, ठीक। और अब हम यहाँ पर हर एक चेन में डबल्स बनाएंगे और साथ में ये ध्यान रखेंगे कि 2 स्ट्रैंड्स, यहाँ पे 3 स्ट्रैंड्स हैं, तो हम 2 स्ट्रैंड्स ऊपर लें, यानी कि पहले बुने, और ए 1 स्ट्रैंड छोड़ दें। तो ये हमने 2 स्ट्रैंड्स लेने हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। देखिए, 1 स्ट्रैंड रह गया, उसे टर्न कर लिया हमने और 2 स्ट्रैंड्स को बुना। तो ये 2 स्ट्रैंड्स लेने से क्या होता है, ये छेद नहीं बनती, मतलब होल नहीं बनता, नहीं तो धागा खिंच जाता है और उसमें एक होल सा बन जाता है। जब आप बुनेंगे ना, तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे कि ये क्यों मैं 2 स्ट्रैंड्स ले रही हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं ना, तो हमारा प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया बनकर आता है। उसमें आप किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं निकाल सकते। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। देखिए, कोई भी धागा खींच नहीं रहा है। बिल्कुल इसी तरह से हम सिंपल हर एक चेन में एक डबल्स बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, हर एक चेन में एक डबल। और अब मैं स्लिप स्टिच करके इसको जॉइन करूँगी। देखिए, यहाँ पे कोई टर्न नहीं है। टर्न का आपको एक बार ध्यान ज़रूर रखना है, कोई टर्न ना हो। और ये देखिए, ये था हमारा फर्स्ट डबल, उसमें हमने चेन डाली और उसमें हमने क्रोशिया डाला और स्लिप स्टिच करा। उसके बाद हमने एक चेन बनाकर इसी जगह पर एक और डबल बनाया, ठीक है, यानी हमने नेक्स्ट राउंड शुरू कर दिया। उसके बाद हमने 1 चेन बनाई और नेक्स्ट डबल्स के डबल के ऊपर हमने 1 मोर डबल बनाया, यानी एक और डबल बनाया। फिर 1 चेन 1 डबल 1 चेन 1 डबल हम इस तरह कंटिन्यू करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फंदों को बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये हमारा जो नेक एरिया बन रहा है, हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो नेक एरिया बन रहा है, उसके लिए हम ये हल्का सा एक डिज़ाइन डाल रहे हैं।
चेन स्पेस और फिर डबल चेन स्पेस डबल, इस तरह से हम ये बनाएंगे। तो साथ के साथ हमारे फंदे भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो डबल्स डबल्स थे हमारे इससे पहले राउंड में, अब उनके बीच में एक एक चेन स्पेस भी हो गई। तो इस तरह से ये राउंड नेक हमारा बनना है, तो ये इस तरह से बनेगा, यानी इनके बीच में एक एक चेन भी हमने बना ली। और ऐसी तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो सेकेंड राउंड में हमने वन डबल वन चेन बनाई। अब हमारा ये स्लिप स्टिच करेंगे, फर्स्ट डबल्स पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, एक वन चेन बना ली, अब फर्स्ट डबल के ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए, और हम इसे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे जॉइन कर लिया। तो ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये राउंड नेक किस तरह से आएगा। इस तरह से देखिए, ये हमारा ये राउंड नेक हो गया है और टू राउंड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा थर्ड राउंड शुरू हो रहा है। तो थर्ड राउंड के लिए हम सबसे पहले वन चेन बनाएंगे, वन चेन, और उसके बाद जहाँ पर हमने ज्वाइन करा था उसी जगह पर हम वन डबल बनाएंगे। अब ये देखिए, वन डबल हमने बना लिया। अब आगे चेन स्पेस, चेन स्पेस में भी हम इस तरह से वन डबल बना लेंगे। अब डबल्स आ गया, डबल्स के ऊपर डबल बनाएंगे, फिर चेन स्पेस में वन डबल बनाएंगे इस तरह से, फिर डबल्स के ऊपर डबल्स, ये रहा डबल, इसके ऊपर एक और डबल, फिर चेन स्पेस में वन डबल। इस तरह से हम इसे पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे, यानी वन एंड डबल और वन डबल इन चेन स्पेस। देखिए, ये हमारा मैंने पूरा कर लिया है और हम ये स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। यानी हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया, वन चेन बनाकर उसी जगह पर हम वन डबल बनाएंगे। ये हमारा फोर्थ राउंड है और इसमें हम क्या करेंगे, वन डबल वन चेन, लेकिन हमने पहले स्किप नहीं करा था एक भी चेन, यहाँ हम वन डबल स्किप करेंगे। अब ये देखिए, इसे स्किप और नेक्स्ट में वन डबल, स्किप वन चेन, वन स्किप वन डबल, वन चेन वन स्किप वन डबल, इस तरह से हमें इसे लेना है। वन चेन वन स्किप वन डबल, वन स्किप चेन वन स्किप वन डबल, इस तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। है ना इजी बहुत। ये अभी हमारा नेक का डिज़ाइन ही बन रहा है। देखिए, एक बार हमने प्लेन लिया, एक बार हमने स्किप कर करके लिया। देखिए, ये भी मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया, यानी फोर्थ राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन करेंगे और उसी जगह पर हम चेन बनाकर वन डबल बना लेंगे, वन डबल बना लेंगे। और अब हम जो चेन स्पेस है इसमें भी हम वन डबल बनाएंगे, फिर डबल के ऊपर डबल, चेन स्पेस में डबल, डबल के ऊपर डबल और चेन स्पेस में डबल, डबल के ऊपर डबल, चेन स्पेस में डबल। इस तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ साइज़ के हिसाब से आपको कितने कितने राउंड बनाने हैं। तो यहाँ पर ही आपको ध्यान करना है, अगर आपने आपका साइज़ स्मॉल है तो आप यहाँ पर 5 राउंड बनाएंगे, 1 2 3 4 5, इतना ही बनाएंगे, यहाँ तक ये 5 राउंड ही बनाएंगे। अगर स्मॉल साइज़ है इतने ही बनाएंगे, अगर आपका लार्ज साइज़ है तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 राउंड और इंक्लूड कर देंगे, ये 7 राउंड बनाएंगे यहाँ पर। और अगर आपका एक्सेल साइज़ है तो आप 9 राउंड बनाएंगे, और डबल एक्सेल साइज़ है तो भी आप 9 राउंड
ही बनाएंगे। तो इस तरह से ये आपको लेना है, 9 राउंड्स बनाने हैं। तो ये यहीं पर आपको ध्यान रखना है, एक तो आपने कितनी चेन लेनी है उस साइज़ के हिसाब से, और उसी हिसाब से आपको नेक का एरिया बनाना है, और बाकी का सारा जो हम पोंचो बनाएंगे वो सारा एक जैसा ही बनेगा छोटे और बड़े साइज़ का। यहाँ पर हमने ये कम कर दिए कंधे। अब हमारे ये 9 राउंड्स हैं एक्सल साइज़ के लिए। यहाँ पर हम 1 चेन बनाकर इसको कट कर लेंगे, और हमारा जो मल्टी कलर है अब हम उसको यूज़ करेंगे। तो एक सॉलिड कलर और एक मल्टी कलर हमने 2 लिए, और दोनों से हमने प्यारा सा सुंदर सा पोंचो बनाएंगे। अब देखिए, इसे स्टार्ट करने के लिए हम पहले स्लिप स्टिच करके हम एक चेन बना लेते हैं। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे इस, तो आप बिल्कुल इसी जगह से ज्वाइन कर सकते हैं, या एक दो फंदे इधर या उधर कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा टाइट हो रहा है फंदा, तो हम इसको यहीं रहने देते हैं, और दूसरी जगह से तो पास में ही हम शुरू कर देंगे। ये हमने पहले और एक चेन बनाकर उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी एक चेन बनी। अब हम यहाँ पर इसी जगह पर हम बनाएंगे 2 डबल्स 2 चेन 2 डबल्स। देखिए 2 डबल्स, ये 1 डबल हुआ। अब एक और डबल बनाएंगे हम यहीं पर, ये हो गए 2 डबल्स। फिर बनाएंगे हम 2 चेन, 1 2, और फिर इसी जगह पर हम 2 डबल्स और बनाएंगे, 1 2। देखिए तो यहीं एक ही जगह पर हमने क्या करा है, 2 डबल्स 2 चेन 2 डबल्स बनाएंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, अब हमें कितने चेन स्किप करनी है, 1 2 3, और 4th चेन में हम क्रोशिया डालकर फिर से क्या बनाएंगे, 2 डबल्स 2 चेन 1 2 2 डबल्स, 1 2। अब फिर से हम स्किप करेंगे, 3 स्किप करके 4th चेन में हम डालेंगे। देखिए 1 2 3, और 4th चेन में हम क्रोशिया डालेंगे, और फिर यहाँ पर 2 डबल्स 2 चेन 2 डबल्स बनाएंगे, 1 2, फिर 1 2 3 स्किप करा, 4th में हम ये डालेंगे, 1 2 2 चेन 2 डबल 1 2। इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, और ये हम सेटिंग कर लेंगे। अगर एक दो फंदे की आपकी इधर उधर फर्क पड़ता है तो कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर मेरे भी फ़र्क पड़ रहा था, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही छोड़े हैं चेन, और 3rd चेन में बना लिया, और फिर यहाँ पर 1 2 3 स्किप करके, और ये इस तरह से मैंने इन्हें एडजस्ट कर लिया। इससे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एक दो फंदों के इधर उधर कर सकते हैं, है ना।
अगर हम ज़्यादा दूर दूर लेंगे तो खींचा हुआ आ जाएगा, इसीलिए आप एक, अगर आपका ये गैदर बढ़ता है तो कोई बात नहीं। चलिए अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करके सेंटर में ले आएंगे। देखिए इस तरह से हम स्लिप स्टिच करेंगे, धागे को बिना बुने उतारेंगे इस तरह, और हम ये सेंटर में ले आएंगे। तो यहाँ पर हमें दो बार स्लिप स्टिच करना है, उसके बाद हमने वन चेन बनाई और यहीं पर हम फिर से टू डबल्स, तो चेन स्पेस में अब हम क्या बनाएंगे, टू डबल्स, टू चेन, टू डबल्स, वन डबल, टू डबल, टू चेन, टू डबल्स, वन, टू। तो इस तरह से हम फिर ये ही बनाएंगे, मतलब टू टू डबल्स, टू चेन, टू डबल्स ही बनाएंगे। तो ऐसे हम इसके ऊपर या चेन स्पेस में हम बनाते रहेंगे और बीच में कोई चेन स्पेस नहीं बनेगी। मतलब अब हमें फंदे भी इंक्रीज़ नहीं करने हैं, जितने हमें इंक्रीज़ करने थे हमने नेक एरिया में ही कर लिए फंदे, और बस अब तो हमें बस बुनना ही है। तो उसके बाद टू चेन, टू डबल्स, टू चेन, ये कंटिन्यू हम करेंगे पैटर्न इस तरह से, ये इसके चेन स्पेस में आता जाएगा। और इसके हम करेंगे फोर राउंड्स, यानी वन राउंड हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड हमने शुरू कर लिया, और ये देखिए ये मैंने फोर राउंड कर लिए, वन, टू, थ्री, फोर। देखिए ऐसे दिखाती हूँ मैं आपको, वन, टू, थ्री, फोर, ये फोर राउंड्स हमने कर लिए हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो हमें क्या चेंज करना है, देखिए हम अपने धागा ले लेते हैं क्रोशे में, और अब हमने स्लिप स्टिच करके इसे सेंटर में ले लिया। अब यहाँ पर हम पहले वन चेन बनाएंगे, अब यहीं पर हम डबल क्रोशे बनाएंगे, तो वन, टू, थ्री। तो यहाँ पे अब हम थ्री डबल्स, यहाँ पे टू थे, अब हमने यहाँ बना लिए हैं वन, टू, थ्री, थ्री डबल्स, टू चेन, थ्री डबल्स, वन, टू, थ्री। इसके बाद नेक्स्ट चेन स्पेस में पहुँच जाएंगे हम, वहाँ पर भी हम थ्री डबल्स, टू चेन, थ्री डबल्स, यानी कि अब जहाँ पर हम टू डबल्स बना रहे थे उसकी जगह हम अब बनाएंगे थ्री डबल्स। तो थ्री डबल्स, टू चेन, थ्री डबल्स, अब हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर कुछ फंदे इंक्रीज़ कर दिए, कुछ क्या, हर एक में इंक्रीज़ करेंगे, तो उसी से ही हमारे ये राउंड में गोलाई बनी रहेगी। ठीक, तो अब हम हर एक चेन स्पेस में थ्री डबल्स, टू चेन, थ्री डबल्स बनाएंगे, और ये इसी तरह से हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो थ्री डबल्स, टू चेन, थ्री डबल्स हो गए, फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट चेन स्पेस में जाएंगे और यहाँ पर थ्री डबल्स, टू चेन, थ्री डबल्स बनाएंगे, वन, टू, थ्री, इस तरह से। देखिए थ्री चेन, टू डबल्स, थ्री चेन, अब हम इस तरह से इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, और ऐसे हमें बनाने हैं, इसे बढ़ाते रहना है, लेंथ बढ़ानी है, तो इसके हम अब 10 राउंड्स बनाएंगे। अगर आप स्मॉल साइज़ में बना रहे हैं तो आपको 10 नहीं 6 राउंड्स बनाने हैं, एल साइज़ में बना रहे हैं और किसी लंबी लड़की के लिए बना रहे हैं तो आपको 10 राउंड्स बनाने होंगे, अगर मीडियम है साइज तो 8 राउंड्स बनाने होंगे, हाइट के हिसाब से हम इसे लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने 9 राउंड्स तो ऊपर योक में यानी गले में बनाए हैं, उसके बाद मैंने 4, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन,
एट नाइन, नाइन राउंड से गले भी बनाए हैं। उसके बाद मैंने फोर राउंड्स ये टू डबल्स, टू चेन टू डबल्स के बनाए हैं। उसके बाद मैंने वन टू थ्री फोर ये करें कंप्लीट, और फिर उसके बाद मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, देखिए मैं और ऊपर करती हूँ, हाँ ये देखिए ये टेन राउंड्स मैंने थ्री डबल्स टू चेन थ्री डबल्स के बनाए, टेन राउंड्स। और उसके बाद इसे कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर फोर राउंड्स सॉलिड कलर के बनाए हैं। तो इस तरह से ये नाइन राउंड्स ऊपर, फिर फोर थर्टीन, फिर टेन ट्वेंटी थ्री, और फिर फोर ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन राउंड्स बनाए हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और जब मैंने इसको मेजर करा तो ये 4.5 इंचेस तो नेक में था, और जब मैंने इसे पूरा मेजर करा नीचे तक एंड तक, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने इसको मेजर करा, ठीक है मैं फिर करके बताती हूँ। तो ये था 17 इंचेस, तो इसकी टोटल लेंथ हो गई 17 इंचेस बिल्कुल ऊपर से लेकर यहाँ नीचे तक एंड तक। तो ये बहुत अच्छी हमारी लेंथ हो गई है, तो इसलिए हम इसमें फ्रिल वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। अगर आप फ्रिल लगाना चाहते हैं तो आप ये फोर राउंड्स करने के बजाय फ्रिल लगा लीजिए, देखिए कितना प्यारा बना है। अगर आपको भी ये अच्छा लगे, आपको भी ये वीडियो अच्छी लगे, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।